दोस्तों, ये सामने वाले घर के सामने देखिए, अब इतनी भयानक आग लग गई थी यहाँ पे, क्योंकि फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियाँ भी नहीं पहुँच रही थी यहाँ पे, तो ये घरों तक भी जा सकती थी आग, लेकिन लोगों ने बाद में बड़ी मशक्क़त के बाद इसे बुझा दिया था दोस्तों। हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हैं, आइए हो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों मॉर्निंग का वही रहता है, दूध लेके चले रहो घर को। चटाई चढ़ के आया तो सांस भी फूल रहे हैं मेरे, तो देखते हैं आज का दिन क्या जाता है, वो सब आपसे शेयर करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, करते हैं सफ़र की शुरुआत। तो हाँ जी दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ किचन में और मैडम जी देख रहे हैं बर्तन धो दिए। मैडम जी आपने इधर से देखो बर्तन धोए आपने? मेरा काम रहता है खाना बनाने का, सो मैं जल्दी से अब नाश्ता तैयार करता हूँ दोस्तों, फिर मिलता हूँ आगे। गजब बेइज्जती है। आज की जर्नी जो मेरी जीरो से लेकर मोनेटाइजेशन तक का सफर जो है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। बस मैं मौज मस्ती में ऐसे ही वीडियो बना लिया करता था, आज मोनो भी हो गया है आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से। यहाँ से जो आगे का सफ़र है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वर्किंग वाला काम होगा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि यार मोनेटाइजेशन के बाद बहुत ही ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। सो अब कंटिन्यू ही वर्क आएगा मेरा, कोशिश करूँगा कुछ नया कंटेंट लाने की। तो चलते हैं वैसे। आज का छोटा सा ही ब्लॉग रहेगा मेरा, आज सिटी में नहीं, आज सुंदर वादियाँ दिखाते हैं आपको। तो चलते हैं फिर दोस्तों। जंगल में लग चुकी सामने पार बड़ी ही भयानक आग, और देख सकते हैं आप। दोस्तों ये सामने देख रहे होंगे आप, इस जंगल में पूरा जंगल में आग लग चुकी है, पूरा जल गया है दोस्तों, आधा से ज़्यादा जंगल जलकर राख हो चुका है। बाकी ये देख सकते हैं नीचे को नज़ारे, ब्रूरी स्टेशन है, इस साइड को पाली साइड भी लगी है आग। दोस्तों मैं थोड़ा सा ऊपर आ चुका हूँ, और ये फर्स्ट काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाओ ना, ये क्या हो जाता है बोलना, मुझे उस टाइम भी नहीं आता था। सच बताऊँ यार, आज मैं ना आपको राज खोल देता हूँ अपना, तो मुझे ना पहले भी बोलना नहीं आता था दोस्तों, आज भी नहीं आ रहा और अभी भी नहीं आ रहा। अभी मैंने बोलना क्या है कैमरे में यार, मैं बोलूँ क्या, क्या बोलूँ मैं भाई यार, क्या बोलूँ कुछ भी कुछ भी। दोस्तों ये खंभे देख के आपको कुछ याद आ रहा है, बरसों पुराने जब घरों पे टेलीफोन हुआ करते थे लोगों के, और दूर से आवाज़ें मारते थे, ओ भाई इधर आ जा तेरा फोन आया है। तो एक ही गांव में एक फ़ोन हुआ करता था, तो सारे गांव में कि लोग उसी घर में आके बातचीत करते थे या करवाते थे। आज देखो तकनीक कहां से कहां पहुंच गई, 4G 5G क्या ही बोलें दोस्तों। दोस्तों बात है सन 2020 की, शायद 2020 में मैंने चैनल खोला था उस वक्त। तो दोस्तों उस वक्त मुझे नॉलेज ही नहीं थी यार, YT पे काम कैसे करना है और किस प्रकार से वीडियो डालनी होती है। बस अपने वीडियो स्टार्ट की, ना एडिटिंग की ना कुछ, चक्की रो डाल दी इसमें जयराम जी की। अब फिर पता नहीं होता था, अपनी मेमोरीज़ के लिए मैंने रखी थी। फिर आस्ते 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 जब हमने एक एक दो दो वीडियो डाली ना, उसके बाद मैंने बीच में काम करना छोड़ दिया। मतलब एक महीना 2020 में मैंने एक महीना वर्क किया होगा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने 2021 से मैंने स्टार्टिंग से काम करना शुरू किया है। फिर आस्ते आस्ते नॉलेज हुई थोड़ी सी भी, हाँ ऐसे नहीं ऐसे डालते हैं, ऐसे एडिटिंग करते हैं। आप लोगों के सपोर्ट से बहुत अच्छा लग रहा है आज, और हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। ये देखो जी हमारे भाई साहब आ गए हैं, इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे, इनकी बदौलती मैं पहुँच रहा हूँ यहाँ तक, और आप लोगों के प्यार से। और ज़्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा भी अगर मायूस होता हूँ ना, इस स्थान पर आकर मैं ज़रूर बैठता हूँ
और यहाँ से जो व्यू का नज़ारा है ना दोस्तों, बहुत ही शानदार और सुकून भरा होता है। दोस्तों यहाँ इन पहाड़ियों पर 2-3 दिन पहले ना इतनी आग लगी थी, इतनी भयानक वाली, कितने पशु कितने पक्षी मारे गए होंगे इसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं है दोस्तों। बहुत दुख होता है ना दोस्तों जब इतने हरे भरे पहाड़ों में आग लग जाती है, कितने जानवर मारे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता। दोस्तों ये छोटा सा व्लॉग अगर आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो दोस्तों लाइक कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलूंगा आपको एक ऐसे ही नए सफ़र के साथ, तब तक दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद दोस्तों, जय भोले शंकर की।